प्रदेश के मंत्री श्री चंद्र प्रकाश जी गंगा और यहाँ के आपके प्रत्याशी श्री बोलखराज जी प्रेमी, जिलाध्यक्ष श्री विनय शर्मा, श्री दूले राम, श्री राकेश शर्मा, श्री कर्ण जामवाल और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। वैसे हिमाचल राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में इसके पहले भी कई बार जा चुका हूं, कांगड़ा में भी आया हूं, लेकिन इस स्थान पर बैजनाथ धाम में नहीं आ पाया था। यह मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन आज यह अवसर प्राप्त हुआ है आप सबका दर्शन करने का। यहां पहली बार आया हूं, फिर भी आपने तालियां बजाकर, नारे लगाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपको याद है 2012 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हुआ था, बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारी मतों से कांग्रेस को विजय दिलाकर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उसके ठीक दो साल के बाद 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसी हिमाचल की जनता ने, जिसने 2012 में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाकर यहां सरकार बनाई थी, 2014 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा इस हिमाचल प्रदेश से पूरी तरह से साफ कर दिया। मैं समझता हूं कि हिमाचल के हुक्मरानों को यह संदेश उस समय चले जाना चाहिए था कि हमारी हिमाचल की जनता हमारे दो साल के कामकाज से खुश नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने इससे सबक नहीं लिया और उसके बाद भी तीन साल का समय गुजर गया, फिर भी कांग्रेस जो अपने रास्ते से भटक चुकी थी वह सही रास्ते पर नहीं आ पाई। और आज यह 2017 का चुनाव हो रहा है मेरे बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में है, लेकिन इस समय बहुत सारी सर्वे एजेंसियों के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उससे अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि हिमाचल में इस बार सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और श्री प्रेम कुमार धूमल इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मेरे बहनों भाइयों, सरकार चलाने का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें चल रही हैं, जिन जिन राज्यों में चल रही हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों की सरकारों के कामकाज का कोई जायजा ले तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत राज्यों का उदाहरण आपको नहीं दूंगा, राज्यों का उदाहरण देना हो तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, जाकर कोई देख ले, पता लगा ले, हमारे प्रेस के मित्र भी यहां पर बैठे हैं, सभी भाजपा शासित राज्यों की विकास दरें दूसरे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चलाई जा रही सरकारों की अपेक्षा कहीं बहुत आगे है। और यदि केंद्र के स्तर पर देखना हो तो आप देख सकते हैं, छह वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी हिंदुस्तान में आपने सरकार देखी है और लगभग 3.5 वर्षों से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आप केंद्र में सरकार देख रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? जब भी कांग्रेस हुकूमत में आती है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग जाते हैं। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, उसके ऊपर 1000-2000
करोड़ के नहीं लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यहां तक कि उस सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। और हिमाचल की बात कि हिमाचल सरकार का मुखिया, उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप। क्या कारण है, जहां जहां भी कांग्रेस सरकार चलाती है उसके नेताओं के ऊपर, उसके मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। क्यों नहीं भाजपा के मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, एक भी ताली नहीं बजनी चाहिए यदि हमारी कोई बात गलत हो, क्योंकि मैं आपके आंखों में धूल झोंक कर ओठ हासिल नहीं करना चाहता हूं। यदि मैं आपका ओठ हासिल करना चाहता हूं तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं ओठ हासिल करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों। इसलिए क्या 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है, क्या कोई उंगली उठाकर कह सकता है किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है? 3.5 वर्षों से यहां हमारी सरकार है, कोई कह सकता है कि हमारी इस सरकार के किसी भी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है? बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी नेता यदि उसके ऊपर आरोप लगता है, और प्रथम दृष्टया जिसे अंग्रेजी में प्राइमा फेसाई कहते हैं, यदि आरोप सिद्ध हो जाता है, पहली जांच में ही आरोप लगता है कि इसके ऊपर इसने भ्रष्टाचार किया है और यह आरोप बन जाता है, तो नेता का यह नैतिक धर्म होता है वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे और तब तक उस पद को स्वीकार न करे जब तक कि वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता है। यह नेता का चरित्र होना चाहिए। लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता। परिवार में भी जब तक लोकलाज नहीं होगा परिवार नहीं चल सकता है, वैसे ही देश का लोकतंत्र भी बिना लोकलाज के नहीं चल सकता। लेकिन यहां आरोप लगे हुए, गंभीर आरोप लगे हैं, सीबीआई जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, और डंके की चोट पर खड़े होकर जनता के बीच वोट मांग रहे हैं, क्या ऐसे ही देश चलेगा? आजादी के 70 वर्षों में 55 वर्षों तक लगातार आपने कांग्रेस की हुकूमत देखी है मेरे बहनों भाई। भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार से करारा प्रहार इस कांग्रेस के द्वारा होना चाहिए था, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट था, वो 28 साल पहले बना, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। लेकिन 2016 में जब हमारी 2014 में सरकार आई, तो 2016 में बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट को हम लोगों ने लागू कर दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक्ट लागू करने के बाद 2016 से लेकर इस समय 2017 चल रहा है बहनों भाइयों, 850 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति को हम लोगों ने जब्त कर लेने में कामयाबी हासिल। यदि 28 साल पहले ही कांग्रेस ने लागू कर दिया होता, ईमानदारी से ही लागू कर दिया होता, तो आज आप कल्पना करिए हजारों लाखों करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हुई होती और कोई मां का लाल बेनामी संपत्ति बनाने की जरूरत न करता, लेकिन कभी कोशिश नहीं की। यह हालत है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। चीन के बाद दुनिया का जनसंख्या के दृष्टि से भी बड़ा देश यदि कोई है तो हमारा यह भारत। कांग्रेस की हुकूमत के रहते हमारा भारत आज भी उसकी हुकूमत तक दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता रहा है। यह हालत रही है भारत की। क्या कारण है? बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। क्या किया कांग्रेस? बहनों भाइयों, 55 वर्षों का समय किसी देश के भविष्य को बनाने के लिए कोई कम समय नहीं होता। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि ज्यादा हमको समय नहीं चाहिए, 2022 आते आते हम एक नए भारत का निर्माण करके सारे विश्व को हम दिखा देंगे। कैसे सरकार चलाई जाती है? हम उसी दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया था कांग्रेस के लोगों ने, भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। केवल
तीन महीने जीडीपी थोड़ी कम हो गई थी बस उसी में, जबकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक क्वार्टर यानी तीन महीने में कांग्रेस का शासनकाल हो अथवा कोई हो, सबकी जीडीपी ऊपर नीचे ये होती ही रहती है, स्वाभाविक है, ये होती है, उसको लेकर बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आज सारा विश्व सच्चाई को स्वीकार कर रहा है, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों हमारे और आपके देश भारत की है। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करने लगी। आज हमारा भारत एक दुनिया का ताकतवर देश बनकर विश्व पटल पर खड़ा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। हम लोगों का संकल्प है भारत की गरीबी दूर होनी चाहिए। यदि हम गरीबी दूर करने की बात करते हैं तो कांग्रेस की 55 वर्षों की अखंड हुकूमत आपने देखी है। बहनों भाइयों, इसे हिंदुस्तान के हर परिवार का बैंकों में खाता नहीं खुला था। पहली बार प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हिंदुस्तान के सभी परिवारों के बैंकों में खाते खुल गए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा उसके पास पैसा हो या पैसा न हो तब भी उसका बैंक में खाता खुल जाना चाहिए। जो पैसा न होने पर भी बैंक में खाता खुलता है उसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। क्या बैंकों के दरवाजे पर, बैंकों की दहलीज पर टाटा बिड़ला और अंबानी को ही जाने का अधिकार होना चाहिए? क्या जिनके पास पैसा है उन्हीं को यह हक मिलना चाहिए उन दरवाजों तक जाने का? गरीब को नहीं मिलना चाहिए? पहली बार सभी परिवारों के बैंक अकाउंट खोलने में कामयाबी किसी सरकार ने हासिल की है। बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। दुनिया अचंभित है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश ये पूछ रहा था आकर हम लोगों से भारत में, आप बताओ आपने इतनी जल्दी यह कमाल कैसे कर दिया? कांग्रेस के लोग हमसे पूछ रहे थे कि साहब ये बताइए ये खाता खोल के कौन सा आपने कमाल कर दिया, क्या करेंगे आप? तो हम लोगों ने कहा कि आपको समझ में नहीं आएगा, हमारा कोई गरीब आदमी घर अपने बेटे की अपनी पत्नी की इलाज कराने के लिए 1,500 रुपया नहीं रहता है तो जाकर किसी महाजन के पास अथवा किसी पड़ोसी से वह पैसा मांगता है। हमने जो यह खाता उसका खुलवा दिया है, यदि हर महीने 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया डालता रहेगा निकालता रहेगा अपने खाते में, अब कभी एकाएक उसको जरूरत हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, हमको 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की जरूरत है, तो वह गरीब आदमी सीधे बैंक जाएगा और कह देगा हमको 5,000 रुपये का कर्जा दे दो, बैंक सीधे उस 5,000 रुपये का कर्जा दे देगा और आकर अपने परिवार का इलाज करा देगा। मैंने कहा पहला लाभ तो यह है, महाजन 1.5 गुना 2 गुना ब्याज लेता है लेकिन बैंक 1.5 गुना 2 गुना ब्याज नहीं लेगा। इतना ही नहीं, मनरेगा में हमारा मजदूर काम करता है। आप जानते हैं मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी, उनका पारिश्रमिक आधा अधूरा तिहाई चौथाई मिलता है, ठेकेदार खा जाते हैं। अब मनरेगा बिचौलियों के माध्यम से मनरेगा का पैसा मजदूरों को नहीं मिलेगा बल्कि वह मनरेगा का उनके मजदूरी का पैसा सीधे उनके बैंक के अकाउंट में पहुंच जाएगा, पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। लड़कों की स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या सब सारी जितनी सहायता है सब सीधे बैंक में पहुंच जाए, यह हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है। अब हिमाचल का मैं नहीं बतला सकता, हमारी सरकार का यह भी फैसला है 2022 आते आते इस हिंदुस्तान का एक परिवार भी शेष नहीं बचना चाहिए जिन परिवारों में कम से कम एलपीजी गैस सिलेंडर के माध्यम से खाना न बनने लगे। हमारी माताएं बहनें कब तक लकड़ी जलाकर अपनी सेहत को खराब करती रहेंगी? मैं समझता हूं कि हिमाचल में भी निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री की जो योजना रही है एलपीजी गैस सिलेंडर, यह लोगों तक पहुंचा होगा। मैं हिमाचल के बारे में आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहां पर कोई चोरी डकैती माफिया खनन के माफिया उफिया ऐसा कोई संकट तो नहीं है? सब ठीक ठाक है? कानून और व्यवस्था की हालत ठीक ठाक है कि नहीं? नहीं ठीक है,
सड़कें उड़के सब बन गई हैं ठीक ठाक ना, पानी होने की व्यवस्था तो ठीक ठाक हो गई है, पढ़ाई लिखाई तो बच्चों की ठीक ठाक हो रही है, वो भी नहीं, दवाई वाई तो ठीक ठाक मिल रही है कि नहीं, वो भी नहीं। अरे कुछ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार। क्या एक बार तेज बोलिए, क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हालत है सरकार की। अब फिर से आ गए कि फिर से हमारी सरकार बनाओ। क्यों सरकार बनाना चाहते बहनों भाइयों? हम लोगों ने एक मुद्रा योजना प्रारंभ की। हम लोग बेरोजगारी के संकट से भी देश को निजात दिलाना चाहते हैं। आप ये कहेंगे कैसे दिला देंगे? सिलसिला प्रारंभ किया। पहले बैंकों से कर्ज जो बड़े बड़े लोग होते थे, धन्ना सेठ होते थे, उन्हीं को मिलता था। आपने देखा है, आपने अखबारों में पढ़ा है कि नहीं, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपया लेकर इंग्लैंड चला गया, मालूम है कि नहीं? तो यह कांग्रेस उनको कर्ज दिलाती थी। हमारा यह नौजवान 10 लाख 5 लाख रुपया भी बैंकों से चाहता था तो इनको काम, अपना काम काज करने के लिए कर्ज नहीं मिलता था। छोटा व्यापारी चाहता था तो उनको बैंक से काम काज करने के लिए कर्ज नहीं मिलता, लेकिन उसके ऊपर पैसा डूब गया, विदेशों में चला गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कांग्रेस के लोग विजय माल्या जैसे लोगों की मिल्कियत पर भरोसा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान के जवानों की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। बहनों भाइयों, इसलिए हम लोगों ने मुद्रा योजना के अंतर्गत इस हिंदुस्तान में करोड़ों नौजवानों को 10 लाख रुपए से लेकर ऊपर तक का कर्ज दिलाया है और जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अपना वह रोजगार चला रहे हैं, काम काज छोटा मोटा कर रहे हैं। और अकेले ही नहीं, उनके साथ कई नौजवानों को भी रोजगार का अवसर मिल जाता है। क्यों नहीं इस प्रकार की योजनाएं पहले प्रारंभ की है? बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, रोजगार के और नए अवसर सृजित होने चाहिए। हम लोगों ने तय किया है विदेशों से भी पैसा आना चाहिए। अब यहां का पैसा जाकर विदेशों में फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बल्कि विदेशों का पैसा भारत के अंदर आना चाहिए और यहां पर फैक्ट्री लगनी चाहिए। यह हम लोगों ने फैसला। आपने देखा होगा कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, विश्व बैंक की रिपोर्ट। पहले यहां पर काम काज करने के लिए, उद्योग चलाने के लिए कितनी सुविधा थी, दुनिया के सारे देशों में कितनी कितनी सुविधाएं किन किन देशों में हैं, उसमें एक रैंकिंग होती है, बनाया जाता है सर्वाधिक सुविधा किस देश में है। तो उसमें हमारा भारत 130वें स्थान पर, इस 30वें स्थान पर था, 130वें स्थान पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, माने बिजनेस रोजगार करने में कितनी सुविधा थी। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, जो भारत 130वें रैंक पर था, वह भारत एक साल में ही 100वें रैंक पर आ गया। इतना सुधार एक साल के अंदर ही हुआ है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसी कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं और मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, आज हमारा भारत विश्व के जो ऊपर के टॉप 10, ऊपर के 10 देशों में आता है। यदि ऐसे ही हालात चलती रही, ऐसे ही हालात बने रहे, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2025-2030 आते आते हमारा भारत एक विश्व की एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर खड़ा हो जाएगा, विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। मैं अपने प्रत्याशी, यहां पर मुल्क राज्य प्रेमी, मुल्क राज्य है इसमें प्रेमी लगा हुआ है, तो प्रेमी को वोट नहीं देंगे तो क्या क्रोधी को वोट देंगे? बहनों भाइयों, पर हमारी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आजकल वो बुखार चला है ना वायरल, मैं भी थोड़ा सा मुसी से हुआ था, लेकिन मैंने कहा मामला प्रेमी का है इसलिए मैं जरूर जाऊंगा, भले ही चाहिए।
और आज आपके बीच आया, और आपने देखा प्रेमी जी ठीक ठाक बोल रहे थे, मैं सोचा ऐसे ही होंगे, लेकिन बोल रहे थे ठीक। यदि यदि भाषण देने का मौका मिलता तो कम से कम घंटा भर प्रेमी जी बोलते। पिछली बार आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या? आपको हरा दिया था लोगों ने, आप लोगों ने हरा दिया था, हरा दिया था, कांग्रेस ने जिता दिया था ना, कांग्रेस ने जिता दिया था ना, इस बार क्या करेंगे? पक्की बात, मैं मान लो जीतेंगे ना, जो हाथ उठा के बतला दीजिए पक्की बात है ना। वाह, अब जाइए इस बार जीत पक्की। वैसे मैं भी आपको खबर दे रहा हूं, अपनी रिपोर्ट के आधार पर मैं खबर दे रहा हूं बहनों भाइयों की, यह सीट आप जीतने जा रहे हैं इस बार। बातें बहुत लंबी चौड़ी नहीं करूंगा क्योंकि काफी देर हो गई है, अभी आगे दो सभाओं को मुझे संबोधित करना है। एक बात अंत में, हिमाचल सचमुच वीरों की धरती है, जहां की वीरंगना माताओं ने अपनी कोख से ऐसे बहादुर जवानों को पैदा किया है जो अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की बराबर रक्षा करते हैं। और उन्हीं जवानों के ही कुवत के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहनों भाई, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की आन बान शान को कोई चोट पहुंचा दे, यह हिम्मत नहीं है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, ताकतवर भारत बन गया है। जैसा मैंने पहले कहा, आप देखिए आतंकवादी फटाफट फटाफट देखा था ऐसा, नक्सलवाद की समस्या खत्म हो रही है, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद 75% खत्म। 2022 आते आते सारे इन संकटों से भारत मुक्त होगा और नए भारत का निर्माण होगा मेरे भाइयों। अपने सेना और सुरक्षा के जवानों पर हमको विश्वास कर रखना होगा, उनके प्रति हमारे दिल में एक सम्मान का भाव होना चाहिए। और मैंने जो देखा है, मैं देख रहा हूं, पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास है, मैं देख रहा हूं, सेना के लोगों से भी होती रहती है, इस समय जो कुछ है, जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन, जिस तरीके का समन्वय सेना के जवानों में, पैरामिलिट्री में हमारे अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं उनके बीच, हमारे पुलिस के जवानों के बीच, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच जैसा समन्वय है, ऐसा समन्वय शायद कभी रहा होगा बहनों भाइयों, ऐसा समन्वय देखने को नहीं मिला। इसीलिए हमारे बहादुर सेना के जवानों को, हमारे अर्धसैनिक बलों को अपने काम में कामयाबी हासिल हो रही है, यह छोटी बात नहीं है। सीमा का जहां तक सवाल है, विश्वास रखना मेरे बहनों भाइयों, दुनिया की किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की सीमाओं की ओर आंख उठाकर देख ले। एक घटना की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन आपके बीच भी मैं कर देता हूं। 2014 मई में सरकार बनी थी, सितंबर के महीने में रात को 10:30 बजे के लगभग मैं भी बिस्तर पर लेटे हुए टेलीविजन देख रहा, टेलीविजन पर खबर आई कि पाकिस्तान के रेंजर्स ने गोली चलाकर सीमा पर रहने वाले भारत के 5 नागरिकों को मार डाला, इसमें एक महिला और एक मासूम लड़की। मैंने तुरंत टेलीफोन मिलाकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक से पूछा कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, यह बात सच है, घटना हुई है। मैंने पूछा कि हमारी फोर्स क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने पाकिस्तान को 16 बार सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा क्या होता है? कहा साहब सर परंपरा चली आ रही है, सफेद झंडे का मतलब यह होता है कि अरे पाकिस्तान हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, मिल बैठकर हम बात करना चाहते हैं, मामले को सुलझाना चाहते हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा साहब कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा कि आगे क्या सोचा है? तो उन्होंने कहा कि साहब एक बार और झंडा दिखाना चाहते हैं, हम 17वीं बार दिखाना चाहते हैं।
तो मैंने कहा कि आज से और अभी से मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अब 17वीं बार झंडा नहीं दिखाया जाएगा, और आगे के लिए भी हमारा यह आदेश है, पड़ोसी है इसलिए पहली गोली तो हमारी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि उधर से चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, हालात बदल गए, हालात बदल गए, हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों की बहादुरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता, उनके अंदर वह कुवत है, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारत की आन बान शान के ऊपर दुनिया की कोई ताकत इस पर आंच नहीं पहुंचा सकती है, सवालिया निशान नहीं लगा सकती। तो आज के अवसर पर यही कहने आया हूं कि एक विकसित हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी हिमाचल वासियों को देना चाहती है। क्या क्या करना है, क्या क्या करेंगे सरकार आने के बाद, उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट दृष्टि पत्र जारी किया जा चुका है, इसलिए बहुत उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कई योजनाएं हैं, समय कम है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे यहां पर प्रेमी जी, मुल्क राज जी प्रेमी हमारे प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अब प्रत्याशी को मत देखिए, केवल कमल का फूल देखिए, कमल का फूल। और लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती है, कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। पहले कमल के फूल का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाइए, और प्रेमी जी जीत जाइएगा। देखिए पीछे हैं, जीत जाइएगा, एक बार मुझे फिर से बुला लीजिएगा बैजनाथ धाम दर्शन कर। और बहनों भाइयों, यदि जिनके जीतने के बाद यदि बुलकराज जी ने मुझे बुलाया, जीतने के बाद मैं यदि आऊंगा तो बाबा बैजनाथ का दर्शन करने तो जरूर आऊंगा, लेकिन एक बार आप लोगों का भी शीश झुकाकर अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।